स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स और ये मेरा दो साल और छः महीने का अनार है। आप बीज से मैंने इसको उगाया था। आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिक है, जैविक है, उसके कितने शानदार परिणाम हैं। ये देखिए बिल्कुल लाल कलर के अनार हैं और कितने सारे अनार एक पेड़ पे लगे हुए हैं। ये बेरी है, थाईलैंड एप्पल बेरी है। ये देखिए ये भी 2.5 साल की ही है। 2.5 साल की बेरी की ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितनी शानदार ग्रोथ है। पिछली बार इस पे ये ग्राफ्टेड है और पिछली बार इस पे 30 किलो से ज्यादा बेर लगे थे और अभी कितना अच्छा फुटाव है इसमें देखिए आप। ये भी पूर्णतया जैविक है। इसके अलावा इसके साथ में एक बेरी और है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये बेरी देखिए, ये भी इसके साथ की बेरी है, 2.5 साल की ही बेरी है। मैं बेरियों की प्रूनिंग नहीं करता, ना ही अनारों की प्रूनिंग करता हूँ। जो प्राकृतिक तरीका है उगाने का वही इस्तेमाल करता हूँ। किसी भी प्लांट की कोई प्रूनिंग मैं नहीं करता। ये स्पोडिला है, चीकू का पौधा। ये देखिए कितनी विगोरस ग्रोथ है इसके अंदर। साथ में आप कपास भी देख सकते हैं, मैंने खाली जगह थी वहां कपास लगा दी थी ताकि जो लाइट इंडेक्स है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंडेक्स है, जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रॉपर कैरोटीन्स, या प्लांट्स को भी आसपास से ग्रीनरी की फीलिंग आती रहे, ये कई बार जरूरी होता है। इसलिए मैंने काफी क्लोज प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं। ये देखिए एक और वैरायटी है जो अनार की, पोमग्रेनेट की है। ये वैरायटी मेरे पास है, इसमें काफी अनार तो हमने तोड़ लिए और काफी अभी भी बचे हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये थाईलैंड एप्पल बेरी है। ये भी 2 साल और 6 महीने की है। इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। ये कपास है मेरी, कपास के जो परिणाम है वो तो आपके सामने है। बहुत ही शानदार परिणाम है कपास के। ये देखिए कितने शानदार पेड़ है कपास के। जो ग्रोथ है कपास में वो कितनी अच्छी है। लीफ इंडेक्स, कलर, एक तरह से ये गार्डन को डेकोरेट भी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे डेकोरेशन कर रखी है गार्डन की। ये देखिए कितना शानदार पेड़ है कपास का। और ये फ्रूटिंग देखिए कपास में आप। अभी तक अन्य जगह पे फ्रूटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, अपने यहाँ पे फ्रूटिंग भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब चल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है कपास का। ये सब पूर्ण जैविक है, बिना किसी जहर के, बिना किसी प्रकार का। ये भगवा अनार है मेरा, देखिए ये देखिए। इस पे भी काफी मैं छिपा के रखता हूँ ताकि बर्ड्स वगैरह ज्यादा अटैक ना करें इस पे। फ्रूट्स को लगभग हम छिपा देते हैं अखबार के नीचे। ये अनार मैंने बीजों से उगाए थे तो इनमें डाइवर्सिटी बहुत आ गई। ये देखिए ये बिल्कुल अलग तरह का अनार है, बहुत ही शानदार, प्राइड ऑफ माय गार्डन जैसे, बहुत बड़ा साइज में। और अंदर से कैसे निकलेगा वो भी हम जब इसको तोड़ेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो बहुत सारी वेराइटीज ऐसी हैं जो बीज से पौधे उगाने की वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं है। जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो क्या करती है कि नई किस्मों को विकसित करने में मदद करती है। दूसरा, रेजिस्टेंट
वैरायटीज भी पैदा करने में कई बार मदद करती है। इसके अलावा ये अपना जंगल वाला एरिया है जहां पे मैं अपना जो हाफ 1/4 एकड़ जो है 1/4 एकड़ उसमें मैं परमाकल्चर या जंगल सिस्टम से ही चीजें उगा रहा हूँ। यहाँ पे नीम भी है, सिरस भी है, लेसवा भी है, बहुत सारी चीजें हैं, अमरूद भी है, जामुन भी है, बेलें भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर, ग्रेप्स वाइन भी हैं। तो यहाँ पे मैं एक पूरा मॉडल जो है वो जंगल मॉडल के तौर पे मंगा रहा हूँ। ये कपास है ताकि ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बढ़ जाए और जगह खाली भी नहीं रही, कुछ कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन भी इस जगह का हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कपास भी उगाई हुई है। तो मेरी कपास में किसी प्रकार का कोई कीट नहीं है, आप देख सकते हैं कपास के पत्ते, कोई व्हाइट फ्लाई किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम कपास में नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल लश ग्रीन पत्ते हैं और बहुत ही शानदार फ्रूटिंग जो है वो होके रखी है इसके ऊपर, देख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अन्य किसानों को भी भेजें ताकि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरी मुहिम है जैविक को आगे बढ़ाने की, जो सही अनुसंधान जैविक के क्षेत्र में किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, ये सब आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मेरे को जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा गार्डन। ये एक प्लांट है, ये और दिखा देता हूँ आपको, देखिए चैरिटी है बला। औषधीय पौधे भी कुछ हैं जो इस एरिया से विलुप्त हो रहे थे, जिनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, उन पौधों को भी मैंने बचाने की कोशिश की है। तो आप मेरी मुहिम से जरूर जुड़ें और मुझे इस चीज को आगे ले जाने में मेरी मदद करें, हौसला अफजाई करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर करें ताकि हम प्रकृति को मिलकर जहर मुक्त कर सकें। कुछ लोग कहते रहते हैं कि जैविक में रिजल्ट्स नहीं आते, मैं कहता हूँ रिजल्ट्स आते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। एक होता है बेहतर रिजल्ट्स, मैं कहता हूँ बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। आप देखिए कपास, साथ आप सभी को नमस्कार।